नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज जिसमें हम फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, उस सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए पंडित जसराज के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने भारत का नाम ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही रोशन किया था। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था, जो कि आज के दिन जो इनका जन्म का स्थान है वो अब फतेहाबाद में पड़ता है, और दोनों ही जो क्षेत्र हैं ये हरियाणा के क्षेत्र हैं। और उस समय ये हालांकि जो ब्रिटिश काल में जिसको पंजाब के नाम से जाना जाता था तो उसी का ये प्रांत थे, क्योंकि आज़ादी के बाद 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का निर्माण किया गया था। इनका संबंध मेवाती घराना से था, जो कि एक म्यूजिकल फैमिली थी, और इनका जो इन्हें प्रमुख रूप से इनके जो मिक्सचर थे, जिस तरीके से ये मिक्स करते थे म्यूजिक को, ख्याल जो इनका एक प्रमुख था जिसमें, और एक भक्ति रासा एक म्यूजिक जो था वो काफ़ी फेमस था। इसके अलावा इन्होंने एक अलग ही तरीके की जुगलबंदी तैयार की थी जिसको जसरंगी के नाम से जाना जाता था, जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं जो अलग अलग राग गाते थे और उनको फिर मर्ज करके मिलाकर एक अलग से एक परफॉर्मेंस तैयार की जाती थी, जिसे जसरंगी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 75 साल है जो क्लासिकल म्यूजिक को डिवोट किए। इनकी इन प्रतिभा के कारण इन्हें 2010 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला, और 2000 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में इन्हें मिला, और 2019 में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसको जो आज तक किसी भी म्यूजिशियन के लिए नहीं हुआ है। 2019 में एक प्लैनेट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में कहीं पर था, छोटा सा प्लैनेट, और जिसको एस्टेरॉयड 300128 के नाम से जाना जाता था पहले, उसका नाम पंडित जसराज के नाम पर किया गया 2019 में। तो कितनी गर्व की बात है, एक भारतीय म्यूजिशियन का नाम है जो एक प्लैनेट को दिया गया। तो और उसके अलावा इन्होंने जो लाइफ ऑफ पाई, जो कि एक ऑस्कर विनिंग फिल्म थी, उसमें भी इन्होंने अपनी जो है म्यूजिक दिया था। इसके अलावा 28 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की नींव रखी गई, और 17 अगस्त 2020 में इनकी हालांकि मृत्यु हो गई थी, 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी यूएस में, जब ये कार्डियक अरेस्ट, इनको दिल का दौरा पड़ा उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ इस तरीके की ये प्रतिभा थी जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसमें भी आपका भरपूर साथ मिल रहा है, तो जैसा आप साथ देते आ रहे हैं वैसे ही देते रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो क्लास 9th में है उनके साथ आप एनसीईआरटी की जितनी भी वीडियो हैं क्लास 9th की वो शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये जो जीके के जो फैक्चुअल फैक्ट हैं, ये हमें कम से कम इनके बारे में, जितने भी हमारे देश के महान पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में कम से कम इतना तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, थैंक यू।